गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स. रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. अब ये जो लड़की है इसका नाम है रेशमा. ये कहाँ पे रहती है? केरला में. केरला में जो कोस्टल टाउन है, समुद्र के किनारे पर जो टाउन है, वहाँ पर की ये रहने वाली है और इसे शॉर्ट स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है. हर ग्रैंड मदर लव लिसनिंग टू हर स्टोरीज. सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विथ हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे. ठीक है. अब उसकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें ना उनकी रेशमा की स्टोरीज बहुत पसंद है. उसे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है. इसलिए क्या कर रही है अभी ये रेशमा? क्या कर रही थी? एक न्यू स्टोरी लिख रही थी. किस चीज़ के लिए? टू शेयर विथ हर ग्रैंड मदर. उनका बर्थडे था इसके लिए. देन द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन अ ओल्डन डेज. और जो स्टोरी वो लिख रही थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? एक शिप के ऊपर जो क्या कैरी करती है? स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज. रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट. पहले क्या करते थे? पहले पुराने ज़माने में डायरेक्शन के लिए लोग स्टार्स की पोजिशन देख कर फॉलो करते थे. जैसे नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल में ही रहता है, तो उसके हिसाब से वो लोग अपने शिप लेकर जाते थे. बट इन हर स्टोरी और सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वेर नॉट विजिबल. लेकिन उसकी स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आसमान में पूरे बादल छाए हुए थे, स्टार दिख नहीं रहे थे, तो फिर उनको कैसे समझ में आएगा सेलर्स को कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है? रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन. अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आगे स्टोरी को कैसे बढ़ाए, क्योंकि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सेलर अपनी डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे. शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी शी लर्न दैट द ट्रेवलर्स यूज अ डिवाइस नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. फिर जब उसने सर्च किया इंटरनेट पर स्कूल लाइब्रेरी में, तब उसको समझ में आया कि ट्रैवलर्स क्या यूज़ करते थे? एक डिवाइस जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास, जो यहाँ पे दिखाया है, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. अब यहाँ पर ना ये मैग्नेटिक कंपास आप लोगों ने देखा होगा. देखो वहाँ पर एक नीडल है और वहाँ पर डायरेक्शंस लिखे हैं. लिखे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, देन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब. रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हर मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज. अब आप लोगों के भी कंपास बॉक्स में होगा ना, अगर वो मेटल का होगा तो मैग्नेट्स रहते हैं, पर्स में भी रहते हैं. मम्मा की पर्स में चेक करना आप, पर्स का जो लॉक रहता है ना उसको बंद करते हैं, ओपन करते हैं, वहाँ पर मैग्नेट रहता है. अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद मैग्नेट बट शी हैड नेवर लुक एट दोज केयरफुली. अब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे ना हमारा ये जो अलमीरा होता है ना, कबर्ड्स होते हैं, उसमें भी उसका जो लॉक रहता है ना, वहाँ पर भी मैग्नेट रहता है, देखना आप अच्छे से. अब ऐसी ढेर सारी चीज़ें रेशमा के सामने भी थी लेकिन उसने कभी उसको नोटिस नहीं किया था. शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस. अब जब से उसको पता चला मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में, तो अब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी. उसे मैग्नेट के बारे में जानना था और मैग्नेटिक कंपास के बारे में. Some common items that have magnets attached to them. देखो यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ कुछ आइटम्स. यहाँ पर डस्टर है. अब ये आपका मोबाइल का कवर है, वह भी मैग्नेटिक रहता है ना साइड में जहाँ पर लॉक होता है. या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल ये वाला ले लो, फ्रिज में है ना, फ्रिज के डोर पर आप वो मैग्नेटिक ये चिपकाते हो. देन कंपास बॉक्स, कबर्ड, हर चीज़ दी है यहाँ पर. द मैग्नेट्स यूज बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वेर बेस ऑन नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स known as lodestones which were discovered in ancient times. ancient time में जो magnet discover किए गए थे उनका नाम है lodestones और वो magnet sailor use करते थे और ये naturally occurring magnets थे. ठीक है. later on people found out that magnet could also be made from pieces of iron. फिर क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि naturally occurring magnet तो रहते ही हैं लेकिन हम इसे बना भी सकते हैं with the help of pieces of iron. Nowadays we have magnets made up of different material. अभी हमें जो magnets मिलते हैं वो अलग अलग material से बने होते हैं. The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets.
अब आपको ये जो स्कूल में दिखते हैं ना, बार मैग्नेट, एक शू शेप मैग्नेट है, यू शेप वाला रिंग मैग्नेट है, ये सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। देन और ये जो ऊपर दिए हैं सारे मैग्नेट्स, यहाँ पे दिए हैं ना, सम आइटम्स दैट हैव मैग्नेटिक अटैचमेंट, तो ये जो है, ये सारे जो है इसमें भी जो यूज़ किए हैं ये सारे आर्टिफिशियल हैं। देन द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप। अब मैग्नेट्स के अलग अलग शेप होते हैं, उसमें से कुछ शेप है देखो यहाँ पर दिखाए हैं। फर्स्ट इज़ द बार मैग्नेट, ये आपको स्कूल में दिखाया जाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। देन यू शेप मैग्नेट, देन रिंग मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टन मटेरियल्स ओनली, या हर किसी को चिपकते हैं? नहीं ना, देखते हैं। चलो, अगर आयरन की चीज़ है तो उसे क्या हो जाता है, मैग्नेट जल्दी से अटैच हो जाता है, वही आप अगर वुडन वाली लोगे तो वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्टिविटी 4.1, लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैगनेट। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टिक टू द मैगनेट। राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 4.1। आपको कुछ मटेरियल जमा करने हैं अलग अलग कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं अलग अलग मटेरियल से बने हुए, और आपको लेना है मैगनेट। पहले प्रेडिक्ट करना है कि कौन से मैगनेट से अट्रैक्ट हो गए और कौन से नहीं हो गए, ठीक है, और वो आपको लिखना है। देन नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। फिर क्या करना है, हर ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेट को लेकर जाना है, एंड देन ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉर ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट को स्टिक होते हैं। अब यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है कि यहाँ इसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन से मटेरियल जो है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेट, ठीक है। तो ये आप कर यहाँ पर ये टेबल फिलअप कर देना। अब देखो यहाँ पर ना, ये फर्स्ट नंबर पे दिया है पेंसिल। पेंसिल किस चीज़ से बनी होती है, वुड से। अब आपका प्रेडिक्शन क्या था वो लिखना है, कि आपको क्या लगा था कि वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, एंड देन ऑब्जर्वेशन। जब आप मैग्नेट यूज़ करोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो लिखना है आपको ऑब्जर्वेशन में। वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट? वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? अब जब आप एक्सपेरिमेंट पूरा कर दोगे ना ये वाली एक्टिविटी, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो प्रेडिक्ट किया था इज इट करेक्ट और नॉट, या फिर आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके ऊपर से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। Through this activity, we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it. अब ये जो activity आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ objects ऐसे होते हैं जो magnet क्या करते हैं, attract करते हैं, या फिर वो material अपने आप ही magnet की तरफ attract होते हैं। जैसे कौन से होते हैं देखो, इस list में हम लोग देखेंगे। Yes, यहाँ पर देखो एक iron nail है ना, ये क्या हो जाएगा, ये attract हो जाएगा, करें सिंपल है। तो ये हो गया मैग्नेटिक। अब यहाँ पर और क्या दिया है, जैसे ये वुडन डोर है, ये नहीं होगा उससे अट्रैक्ट, या फिर यहाँ पर एक तौलिया रखा है, ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये है नॉन मैग्नेटिक। हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस, दिस वन फाइल, ओके। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूअर्ड अ मैग्नेट, जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे दिखा है द मेटल आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन की कोई भी चीज़ मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। निकेल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। निकेल और कोबाल्ट, अभी सबको ना पहले आयरन ही पता था, लेकिन अभी क्या क्या ध्यान में रखना है मैग्नेटिक मटेरियल में, एक मेटल आयरन, देन निकेल एंड देन कोबाल्ट। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विथ अदर मेटल आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूअर मैग्नेट्स। देन और यहाँ पे ये कहा है कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट तो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें इन लोगों का अगर कॉम्बिनेशन करके कुछ मटेरियल बनाया है मेटल, तो वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वेर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। तो आप उसमें से टेबल में से लिख देना नॉन मैग्नेटिक कौन से हैं।
देन क्वेश्चन, डू ऑल पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। अब यहाँ पे पूछा है कि जैसे एक मैग्नेट रखा है तो वो मैग्नेट के सारे पार्ट जो हैं आजू बाजू में इधर उधर पूरे साइड, क्या वो वैसे ही मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं? देखते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट, एक्टिविटी 4.2, लेटेस्ट इन्वेस्टिगेट, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन द शीट ऑफ पेपर। ये वाला एक्सपेरिमेंट ना आपको स्कूल में कराएंगे। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। ये देखो, ये है बार मैग्नेट, ठीक है। पहले पेपर के ऊपर क्या डाला? आयरन फिलिंग, फिर उसके ऊपर बार मैग्नेट रख दिया। टैप द पेपर, पेपर को टैप करना है। एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग्स। और फिर अच्छे से देखो, पता है हम लोगों ने मैग्नेट एक जगह पे रख दिया है और जैसे तुम लोग टैप करोगे ना तो क्या होता है? चलो पढ़ते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस? जब आप उसको टैप करोगे तो आयरन फिलिंग इधर उधर हिलती है और वो ना मैग्नेट की तरफ जाती है क्योंकि मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, ये आयरन फिलिंग पूरे मैग्नेट में चिपक जाती है। लेकिन आपको नोट करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ये आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट पर स्टिक हुई है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। दिखा आपको, है ना, एंड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक हुई हुई है। वाइल अ फ्यू आयरन फिलिंग स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, और बाकी के पार्ट में है लेकिन थोड़ा कम है, मतलब बहुत कम है। इफ़ यू रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट ऑफ अदर शेप, डू वी गेट द सेम रिजल्ट? अगर हम लोगों ने यही वाली एक्टिविटी, सिंपल है कि वो जो है ना यू शेप वाला मैग्नेट, उससे करोगे आप, उसमें भी वही होगा, उसके जो पोल है वहीं पर सबसे ज़्यादा मैग्नेट स्टिक होगा, बाकी जगह पर एकदम कम। देन दिस एंड्स ऑफ द मैग्नेट, ये जो एंड है मैग्नेट के, आप लोगों ने अच्छे से नोट किया होगा या नहीं, फिगर में देखो, एक एंड पे एस लिखा है, एक एंड पे एन लिखा है, करेक्ट? यस, दिस एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इन्हें कहा जाता है दो पोल्स मैग्नेट के, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। आप कोई भी शेप ले लो, कहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे वो सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स? यस, पोल में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। सिंगल पोल का आपको कोई मैग्नेट नहीं मिलेगा। आप कितना भी उसको, अगर आप जैसे एक बड़ा मैग्नेट लिया, उसको आप कट करोगे, उसके फिर से दो पोल रहेंगे, नॉर्थ साउथ। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इन टू स्मॉलर पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट। कितना भी छोटा सा पीस आप ले लो, लेकिन उसमें दो पोल रहेंगे ही रहेंगे। अ सिंगल पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं सिंगल पोल, ठीक है। चलिए, देन फाइंडिंग डायरेक्शंस, एक्टिविटी 4.3, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ना पहले पिक्चर आप देख लो, तो पिक्चर देखने के बाद सब समझ में आ जाता है। यहाँ पर एक मैग्नेट लटका के रखा है, ठीक है। Suspend a bar magnet with the thread tied to the middle of the magnet as shown in the figure 4.5. देखो कैसे बांधा है बीच में से बार मैग्नेट को। You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. ठीक है, अब जैसे जब तक वो हॉरिजॉन्टल ये नहीं हो जाता तब तक उसको मेंटेन करना है उसका बैलेंस। Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest. उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करना है, आपको रोटेट करना है और फिर अपने आप उसे रेस्ट होने देना है, ठीक है, स्टेबल होने देना है। मार्क द पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, और उसकी पोजिशन मार्क करनी, या फिर पेपर रख दो उसके ऊपर करो। जॉइन दिस टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद द लाइंस, और फिर ये दो जो पॉइंट आपको मिलेंगे उसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। दिस लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। अब ये जो लाइन है ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैसे हम लोगों ने जैसे बार मैग्नेट को रोटेट किया था, उसके बाद जब वो रिलैक्स होता है, रेस्ट पोजीशन में आता है, तब वो कौन से डायरेक्शन में आता है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट वन इन एंड वेट टिल इट कम टू रेस्ट। डज द मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द सेम लाइन? मार्क करने के बाद फिर से वैसे ही करना है और फिर देखना है कि सेम लाइन पर ही वो रेस्ट होता है क्या, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलॉन्ग विच द लाइन मैग्नेट अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस्ट? हाउ कैन वी फाइंड इट आउट?
देन इफ़ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट्स वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट एंड वेस्ट हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस. अगर आपको ईस्ट और वेस्ट पता होगा तो आप आराम से साउथ और नॉर्थ ढूंढ सकते हो. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में रेस में आता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूअर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन. जो पोल या फिर जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ साइड में रहता है उसे कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन. जो अदर एंड रहेगा वो रहेगा साउथ डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट. और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ध्यान में रख दो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो रेस्ट होगा. बिकॉज क्यों, आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट. देन रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट. अब हम लोगों ने बार मैग्नेट लिया था ना, वहाँ पर आपको एक आयरन बार यूज करना है, रिपीट करना है इस एक्टिविटी को. क्यों वैसा ही होता है क्या? व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होता है. इट डज नॉट, इट कैन रेस अलॉन्ग एनी डायरेक्शन. वो कौन से भी डायरेक्शन में रेस्ट हो सकता है. दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट ओनली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसकी से क्या पता चलता है हमें कि सिर्फ मैग्नेट ही रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट. अब इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ में मेटल का कुछ पीस मिला तो उसे हम देख सकते हैं कि वो मैग्नेट है या नहीं है. ठीक है. देन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding direction. अब ना ये वाली एक्टिविटी जो है मैग्नेट की, ये यूज़ की जाती है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. इसके उसमें ना इसीलिए पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में, ये एक मैग्नेटिक कंपास बनाया गया था जो हेल्प करता था फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल. नीडल दिख रही है बीच में आपको, यस वो है मैग्नेटिक नीडल. Which can rotate freely. The needle of a magnetic compass indicate the north south direction. वो ना पूरी जगह पे रोटेट होती है, पूरे राउंड इसमें. ठीक है, लेकिन आप जब भी वो रेस्ट होगी तो वो कौन से डायरेक्शन में रेस्ट होगी? नॉर्थ साउथ. द कंपास इज केप्ड एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. अब जहाँ पर भी डायरेक्शन ढूंढना है वहाँ पर कंपास रख देते हैं. ठीक है. After some time, the needle comes to rest in the north-south direction. फिर क्या होता है, north-south direction में needle set हो जाती है. The compass box is then gently rotated until the north and south mark on the dial are aligned with the needle. Now all direction at that place are as indicated on the dial. अब देखो उसको एक बार rotate कर देते हैं फिर वो set हो जाती है. ठीक है, फिर उसको देखते हैं और उसमें से आराम से समझ में आ जाता है कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है और बीच में ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है, आराम से समझ सकते हैं. देन हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास? ओके, अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट, जैसे फिगर में दिखाया है. द मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स. This needle is balanced with the pin in which manner that it can move around this point easily. That is, it can rotate freely. The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red and below the needle there is a dial with direction mark on it. तो ऐसे आप लोग needle compass बना सकते हो. Let us construct. Collect a few materials like cork paste, iron, sewing needle, permanent bar magnet, glass bowl and water. Place the iron sewing needles on the wooden table. Then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7a. When it reaches the other end, the needle lifts
इट अप। अब यहाँ पर क्या कर किया है, देखो फिगर में उस आयरन को, आयरन बार लिया है, उसको क्या किया है, उस पूरे नीडल पर ऐसे मूव किया है। तो क्या होता है, जब वो, जब मैग्नेट कहाँ आता है, एन की तरफ, जब हम लोग नीडल के उसके ऊपर उसको ऐसे मूव करते हैं, लेकिन जब टिप की तरफ जाता है तब वो अट्रैक्ट होता है। ब्रिंग सम सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विथ टू द सेम एंड ऑफ द सेविंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 times। देन ठीक है, तो ऐसा इसको रोटेट करना है, कितना टाइम करना है, 30 to 40 times। देन ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस नियर द नीडल। इफ द पिंस और आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल, देन दैट मीन्स दैट द नीडल हैज़ बिकम अ मैग्नेट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीडल में भी क्या आए हैं, मैग्नेटिक पावर। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, आयरन फिलिंग स्टील पिंस अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स द नीडल। देन पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजेंटली। अब यहाँ पर देखो, ये रबर कॉर्क है, उसमें से नीडल को पास किया है। फ्लोट द कॉर्क ऑन अ ग्लास बाउल फिल्ड विथ वाटर सच दैट नीडल ऑलवेज रिमेन अबाउ द लेवल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 4.7। अब यहाँ पर देखो, नीडल ऊपर ही है पानी के। वेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आएगी तो क्या होगा, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। नोट द डायरेक्शन ऑफ विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स, और आपको यहाँ पर दोनों इसके डायरेक्शन नोट करनी है। रोटेट द कॉक जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। रिपीट दिस फ्यू मोर टाइम्स। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन, वो आपको नोट करना है। देन मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाई यू वॉज यूज बाई इंडियंस फॉर नेविगेशन एट सी। इट कंसिस्टेड ऑफ मैग्नेटाइज फिश शेप आयरन पीस केप्ट इन अ वेसल ऑफ ऑयल। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र, ओके, और मत्स्य यंत्र। देन यहाँ पे क्वेश्चन है, वॉट हैपन्स वेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ साउथ पोल्स हैव बीन मार्क। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी। देन प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 राउंड शेप पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 4.8 ए वाला जो फिगर है वहाँ पर देखो क्या किया है, कितने पेंसिल्स रखे हैं वहाँ पर, 6 पेंसिल है, ठीक है, और वहाँ पर मैग्नेटिक ए को रखा है, ठीक है। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए प्लेस ऑन द पेंसिल। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। देन ऑब्जर्व वॉट हैपन्स। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल बींग बिगिन टू मूव। Then, does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? अब यहाँ पर देखो, ये मैग्नेटिक मैग्नेट रखा है यहाँ पर, हाँ। अब ये वाला देखो, फर्स्ट वाला जो देखेंगे, ए वाला मैग्नेट ए रखा है, नॉर्थ साउथ पोल। यहाँ पे मैग्नेट बी है, तो यहाँ पर कौन सा पोल रखा है, यहाँ पर इन लोगों ने नॉर्थ पोल। अब देखो, दोनों मैग्नेट अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पर देखो बी में, जब वो, जब हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेट जो बी है उसका पोल चेंज किया साउथ वाला, तो मैग्नेट ये देखो कहाँ गया है, थोड़ा सा दूर हुआ है वो, है ना, अट्रैक्ट नहीं हुआ है, रिपल्स हुआ है, रिपल्शन हुआ है वहाँ पर। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, जैसे ए में देखो साउथ एंड नॉर्थ जो है मैग्नेटिक ए और मैग्नेट बी का, ये दोनों क्या हुए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं, वेयर एज इन फिगर बी यहाँ पर क्या हुआ है, रिपल्शन हुआ है। You will see that unlike pole of the magnet, that is the north pole of one magnet, south pole of another magnet attract each other. दो अलग अलग पोल है, अगर एक एक मैग्नेट का नॉर्थ और एक मैग्नेट का साउथ, तो क्या होता है, अट्रैक्ट होते द लाइक पोल्स, जो पोल लाइक वाले हैं, सेम सेम, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, दैट इज आइदर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर।
देन रिपीट दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट. What do you observe that time? You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet. अब देखो, अब पहले हम लोगों ने दोनों मैग्नेट यूज़ किए थे, अभी हमको क्या करना है, एक आयरन बार यूज़ करना है, ठीक है, और एक मैग्नेट. तो मैग्नेट का कोई भी एंड हो उसको आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट होता ही है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन. तो इसमें से समझ में आ जाता है हमें कि ये जो मैग्नेट है उसमें क्या होता है, अनलाइक पोल है तो अट्रैक्शन होता है और लाइक पोल है तो रिपल्शन होता है. द कंपास सिग्नल इज ऑल्सो मैग्नेट, विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट. लेट इस एक्सपेरिमेंट, टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. ठीक है, देन क्या करना है, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम रेस्ट. नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर. देखो पहले ना कंपास को सेटल होने देना है, नीडल अपने से अपने डायरेक्शन में आ जाएंगी नॉर्थ साउथ पोल में. फिर क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और नॉर्थ पोल को कहाँ पे लेकर जाना है, टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास ऑफ नीडल. और फिर देखो क्या होता है, ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द नीडल डिफ्लेक्ट, इफ एस इन विच डायरेक्शन. तो देखो क्या होता है, जब हम लोग नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेकर जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. फिर उसको रिपीट करना है, फिर क्या करना है, साउथ पोल लेकर जाना है. ठीक है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ डिफरेंस दिखता है या नहीं दिखता है आपको. देन क्या होता है, देखो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज़ ब्रॉड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, तो क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, है ना. तो देन द कंपास नीडल क्या होती है, मूव्स अवे, वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है. लेकिन व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ ब्रॉड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, तो क्या होता है, हाँ जब हम लोग साउथ पोल जो है मैग्नेट का वो लेकर आते हैं नॉर्थ पोल ऑफ किसके पास, क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल, देन इट मूव्स क्लोजर. सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुडन बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल इट दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल. चलो लेट अस इन्वेस्टिगेट, रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6. ठीक है, जो अभी की वही. Without disturbing the bar magnet and magnetic compass, place a piece of wood between them, जैसे फिगर में दिखाया है, perpendicular to the table. Then observe the compass needle carefully. ठीक है. Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें कुछ deflection में problem आएगा क्या? आपके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है और देन रिपीट दिस प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय अ कार्डबोर्ड शीट. फिर क्या करना है आपको, फिर ये वुड निकालना है, वहाँ पर कार्डबोर्ड शीट रखो, फिर थीन प्लास्टिक शीट एंड देन थीन ग्लास शीट, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करना है और यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं. So you will observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. So we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic material. Then fun with magnets. After learning about magnet, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. You may try making this yourself and may also think of some more fun ideas. Can we make a garland? देखो nails का ऐसे garland बना सकते हैं हम लोग. Magnets can move some objects without touching them. Is that not amazing? Can we take the steel ball out of the maze by moving the magnet below the cardboard tray. Then can we pick out a steel paper clip fallen in the water using a magnet without making our fingers or the magnet wet. ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो. Then
विल द टू कार्स स्पीड टूवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉड क्लोजर, ये भी आप कर सकते हो। अगर अपोजिट पोल रहेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, और अगर अनलाइक पोल होंगे तो क्या, सॉरी लाइक पोल होंगे तो क्या होगा, वो जो कार है वो दूर भागेगी। टू मैच बॉक्सिस मैगनेट कार्स विथ लाइक पोल्स ऑफ द मैगनेट फेसिंग ईच अदर, देन इन सम मैगनेट द नॉर्थ साउथ पोल्स आर मार्क एज एन एंड एस, इन सम अदर मैगनेट द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाई वाइट डॉट, ये ध्यान में रखना नॉर्थ पोल पे क्या रहता है, वाइट डॉट। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, मैक्सिमम टाइम लिखा ही रहेगा नॉर्थ एंड साउथ। देन हाउ टू कीप द मैगनेट सेव, अब हम इस मैगनेट को सेव कैसे रख सकते हैं। मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, देखो यहाँ पे उनको कैसे रखा है, सेम जैसे एक बॉक्स में रख रहे हो तो आपको क्या लिखना है, क्या करना है, अनलाइक पोल रखने हैं उनके आजू बाजू में। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक वुडन पीस डालना है। प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड, अब देखो साइड में आयरन पीसेस लगाने हैं। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी एंड और हैमर मी, अदरवाइज ना उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन और रिमोट कंट्रोल्स, तो यहाँ हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया।